एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ एंड दिस इज मीनाक्षी सिंह। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को। हम यहाँ पर करने वाले हैं फुली एनालिसिस, सो जल्दी से आ जाओ। अभी मई में 27 मई को एग्जाम कंडक्ट किया गया था, सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। जल्दी से आ जाइए सारे एक बार। तब तक मैं शेयर कर देती हूँ क्लास का। चलें सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को, सबको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। आप लोगों को क्लास का जो है देखकर पता लग गया होगा आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं और नए नए क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। अब ये क्वेश्चंस जो है एनटीए यूजीसी नेट के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक जैसे जेएनयू का पीएचडी एंट्रेंस होता है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया का होता है, या पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यहाँ पर ये भी नोट किया गया है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ा सा सेम बिल्कुल भी आ जाते हैं, सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वही, और कुछ थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ लिया जाता है एनटीए यूजीसी नेट में। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग जो करने वाले हैं तो वो करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को एनालिसिस, जो अभी 27 मई को किया ये हुआ था। तो आप लोगों को पता ही है सब्सक्रिप्शन प्राइजेस बढ़ रहे हैं। आज से मेरा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो जो कोर्स है आप लोग उसके लिए आ सकते हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी लेते हो तो ये 1500 का पड़ेगा, 3 मंथ का लोगे 4000 का पड़ेगा, 6 मंथ का 7500 का, और 1 ईयर का 15000 का पड़ेगा। तो प्राइस फिर बाद में हाइक हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा लेना चाहता है सब्सक्रिप्शन तो ले सकता है। 5 जून से प्राइजेस जो हाइक हो रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट में ये नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं, 70 वाला नंबर है ना, और आपका 92 वाला नंबर है, तो इन नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके चलिए, सो इसके अलावा जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ पर आप सभी का वेलकम है। आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन हमारे साथ। यहाँ पर अभी कंप्लीट कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, पेपर 1 पे भी चल रहा है। इसके अलावा अभी मैं आपको इंडियन पॉलिटी करा रही हूँ। इंडियन पॉलिटी की अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं देन सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हैं। लाइव क्लासेस से टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, क्विजेज, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। एंड आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सेकेंड जो कोर्स है आज से स्टार्ट हुआ है, ये वाला जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वाला था, तो ये तो अब हमारा खत्म हो गया। अब हमने जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाला। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए थे। तो प्राइस हाइक 5 जून से हो रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ले सकता है। इसके अलावा आप लोग जो हैं यहाँ पर वाइज ऐप पे क्लासेस रहती हैं, कंप्लीट कोर्स अभी चल रहा है। टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डेली 4 PM फ्री क्लास होती है यूट्यूब पर। बस मंडे मंडे क्लास होती है वाइज ऐप पे,
ठीक है, जब मंडे होगा तो अपने आप वाइज ऐप पर आ जाया करो, जब मंडे को क्लास होगी तो अपने आप वाइज ऐप पे आ जाओ, ठीक है, वहां पर क्लासेस होती हैं। अगर आप फ्री टी जो आप लोगों की 1 मंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसके अंदर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छा रखा है मैंने, तो 500 की टेस्ट सीरीज है, एवरी डे आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं इसमें। अगर कोई भी बच्चा लेना चाहता है ले सकता है। गुड इवनिंग एवरी वन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। दो मिनट रुकेंगे बस। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हो रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। अब ये रहा आप लोगों का जो पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो ये है आप लोगों का पेपर 2 पार्ट ए, इसका पार्ट ए है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को, ठीक है। ये ऐसे ही आप लोगों को दिखाई पड़ेगा ये, रुको इसको मैं थोड़ा सा बड़ा और कर लेती हूँ, अगर हो जाता है तो। हो गया, वैसे इतना ही बड़ा होगा ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। आज आप लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप देखोगे उसका आंसर आप लोगों को करना है, किसमें आंसर करना है आपको, कम चैट बॉक्स में, जो ये हमारा कमेंट बॉक्स है ना, इसी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर करना है, ठीक है। आज आप लोगों को पोल नहीं मिलेगा क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, जो इस एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिस्कस। चलिए स्टार्ट करें। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द्रविड़ मुनेत्र कषगम, जो डीएमके है। तो अगर कोई किसी बच्चे का, अगर किसी बच्चे का ये पेपर जो है, अगर किसी को समझ ना आए, कोई हिंदी वाला बच्चा हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम में मत आना, मैं आप लोगों को सीधा हिंदी भी बताती चलूंगी। इंग्लिश में है ये पेपर, जामिया मिलिया इस्लामिया जो होता है वही आप लोगों का इंग्लिश में पेपर देता है, ठीक है, इंग्लिश और उर्दू ये दोनों लैंग्वेजेस होती हैं। तो द्रविड़ मुनेत्र कषगम आपको पता ही है, तमिलनाडु और एंड पोंडुचेरी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको फाउंड हुई थी 1949 में। तो इसके फाउंडर कौन है, सी एन अनुद्रोई है, एम करुणानिधि है, ठीक है, फिर यहाँ पर रामचंद्रन बोल रहे हैं, और के कामराज। क्या होगा राइट आंसर इसका, द्रविड़ मुनेत्र कषगम। आप लोगों को पता ही होगा जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी जिससे हमारे कौन रिलेटेड थे, हमारे पेरियार। तो पेरियार आप लोगों को पता ही होगा, इसी जस्टिस पार्टी से ही अलग होकर बनी थी, और ये पार्टी थी डीएमके। तो डीएमके जो बनाई थी वो बनाई थी सी एन अनुद्रोई ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनीषा, बनीता, विश्वा, बिजो, अर्शिया, बिल्कुल आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सी एन अनुद्रोई ने बनाई थी ये पार्टी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बताओ कौन सा स्टेट है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो मैंने एक ट्रिक बनवाई थी आप लोगों को, अभी प्लस क्लास में जस्ट हमने अभी परसों ही डिस्कस इस टॉपिक को किया था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मैंने एक ट्रिक बनवाई थी, है ना। अब यूपी मत जा, है ना, ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर बिहार,
यूपी फॉर उत्तर प्रदेश, है ना, एम फॉर महाराष्ट्र, टी फॉर तेलंगाना, है ना, तो यही आ जाते हैं। जा तो ऐसी सिर्फ ऐसा ही है जा, ठीक है, जा सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा, तो ध्यान रखना। अब यूपी मत जा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा आप लोगों का, यूपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और अब की आ जाएगा, लेकिन ठीक है, अब क्योंकि कर्नाटका है ना, कर्नाटका तो रह ही जाएगा, क्योंकि टोटल छह हैं जहां जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो क्या क्या, अब की यूपी मत जा, इसकी जो बन जाएगी, ठीक है, जो इसकी ट्रिक है, ट्रिक लिख लो सारे बच्चे, बड़ी यूनिवर्सल ट्रिक है ये, और आपको हमेशा काम आएगी ये जो ट्रिक है, हो जाएगी आप लोगों की, वो हो जाएगी अब की यूपी मत जा, अब की यूपी मत जा, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता हम उसको स्मॉल वर्ड्स में लिखते हैं। तो ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर बिहार, के फॉर कर्नाटका, यूपी फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, टी फॉर तेलंगाना, है ना। अब बताओ बिहार आएगा क्या? आएगा। कर्नाटका आएगा? आएगा। महाराष्ट्र आएगा? आएगा। लेकिन क्या नहीं आएगा? असम नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, असम इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा वो आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी भी राज्य में। तो किसी भी राज्य में अगर हम प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा आर्टिकल होगा बताओ? प्रेसिडेंट रूल के लिए जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं आप सबके आंसर देख रही हूँ बेटा, सबके आंसर देख रही हूँ, ऐसे ही बिल्कुल सही आंसर आंसर करते रहो, ठीक है। आज आप लोगों को पोल नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाली हूँ इस वजह से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 कहता है, किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कौन करता है प्रेसिडेंट को? गवर्नर करते हैं। तो सबसे पहले वो राज्य कौन सा है जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था? सबसे पहले राज्य था पंजाब, जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था 1951 में, लगाया गया था 1951 में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। तो ये ध्यान रखना, तो ये बेसिकली आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। इसके बाद अगर हम बाकी के अगर हम देखें, जैसे और हमें बाकी के जो दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम 216 आर्टिकल का पता करते हैं कि 216 आर्टिकल क्या कहता है। तो 216 आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें बात आती है फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, है ना, इसमें क्या आ जाता है? इसमें फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हम 361 की बात करें, ठीक है, क्योंकि उससे पहले 256 आता है, तो 256 कर लेते हैं। 256 में क्या है बेटा? 256 में, वेरी गुड, 256 में, तो इसमें आप लोगों के राज्य और संघ की बाध्यता, राज्य और संघ की बाध्यता, यानी यूनियन एंड स्टेट के लिए जो बाइंडिंग है उनका, उनको बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 361 की अगर हम बात करें, तो 361 में आता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के राज प्रमुखों का संरक्षण। तो इसमें आपका कर रखा है प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होंगे वो राज प्रमुखों का संरक्षण करेंगे, तो ये कह रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आई होप आपको सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, इन सबको कब बनाया गया था, इनका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो राइट आंसर इज नवंबर, क्या होगा? नवंबर 2000, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नवंबर 2000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नवंबर 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, नवंबर 2000 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें, और फिर आपका इसका ए हो जाएगा ना, फिर इसके और देख लेते हैं और क्या क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इलेक्शन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, ये रिकमेंड किसने किया था कि जो इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? क्या क्रिप्स मिशन ने किया था, क्या कैबिनेट मिशन ने किया था, साइमन कमीशन ने किया था, या फिर ये किया था आपका? नन ऑफ दीज। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बताओ?
राइट आंसर कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन इज द करेक्ट आंसर। जो कैबिनेट मिशन आया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कहा गया था कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये बुक किसने लिखी है, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसके ऑथर हो जाएंगे बेटा लियोन रुडोल्फ एंड सुसान सुसान, ठीक है। तो ध्यान रखना लियोन रुडोल्फ एंड सुसान हॉबर करके ये हो जाएंगे बेसिकली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 263 जो है हमारा वो क्या स्टेब्लिश करती है, तो आपको पता ही इंटर स्टेट काउंसिल के फॉर्मेशन की बात करती है। अगर हम बात करें 262 तो ये किसकी बात करती है, इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 262 बात करता है इंटरनेशनल वाटर ट्रिब्यू, इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल, ठीक है। दो मिनट रुकना, पानी पी लूं। कौन से शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर आप देखो तो सब्जेक्ट्स का वर्णन है, लिस्ट बता रखी है, विषय बता रखे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ शेड्यूल होगा, सिक्स्थ फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा या सेवन्थ होगा। तो आप लोगों को पता इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेवन, सेवन ए डी इज द करेक्ट आंसर, सेवन्थ शेड्यूल है ना। तो आपको बताइए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लगा लो, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा। तो फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा से रिलेटेड है, फिफ्थ किससे रिलेटेड हो जाएगा, शेड्यूल एरिया से, सिक्स्थ किससे रिलेटेड हो जाएगा, अदर शेड्यूल एरिया, और सेवन्थ किससे रिलेटेड हो जाएगा, फेडरल। तो फेडरल के अंदर ही आपका थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का बिटवीन सेंटर और स्टेट। आपको बता रखा है ना, एक यूनियन लिस्ट होगी, एक स्टेट लिस्ट होगी, और एक तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट होगी। कॉन्करेंट पे तीनों बना, दोनों बना सकते हैं, है ना। अच्छा, ये कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया ऐसे किसने लिखा है, क्या रजनी कोठारी जी ने लिखा है, पॉल ब्रास ने लिखा है, डीएल सेठ ने लिखा है, या आशीष नंदी ने लिखा है। राइट आंसर इज रजनी कोठारी, रजनी कोठारी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा रजनी कोठारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया है बेसिकली उसे लिखा किसने था, रजनी कोठारी जी ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्लैक पैंथर्स। ये ब्लैक पैंथर्स जो मूवमेंट था ये चलाया गया था अमेरिका में, ठीक है। तो ये मूवमेंट था, ये स्टार्ट किया गया था, आपको पता ही होगा ये स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र में, जब ये जो पैंथर वाला मूवमेंट था, तो इसको जब 1970s में महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया, तो किस नाम से स्टार्ट किया गया था, तो ये दलित पैंथर्स के नाम पर किया गया था। कौन से पैंथर्स, दलित पैंथर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूएन की जो बॉडी स्टेब्लिश हुई है ह्यूमन राइट काउंसिल, तो वो किसने की थी, विच यूएन बॉडी स्टेब्लिश द ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ह्यूमन राइट काउंसिल को यूएन बॉडी, ये यूएन बॉडी जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये क्या सिक्योरिटी काउंसिल ने की है, क्या जनरल असेंबली ने की है, क्या ह्यूमन राइट कमीशन ने की है, या फिर ICJ ने की है, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या लगता है, यूएन जनरल असेंबली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूएन जनरल असेंबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आपका आ जाता है कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब क्रिएट किया गया था, 1948 में। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब क्रिएट किया गया, 1948 में, है ना। इसके बाद आता है कि बताओ जो कौन चेयरमैन थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जब अडॉप्ट किया गया था, तो इसमें राइट आंसर होगा एलनॉर रूजवेल्ट। कौन थे बेटा, एलनॉर रूजवेल्ट। इनकी देखो स्पेलिंग ये हो जाएगी, थोड़ा सा वैसा दे रखा है लेकिन आप ना लिख लेना इसको, ठीक है, ये आ सकता है, पूछ सकते हैं, ठीक है, एलनॉर रूजवेल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि व्हेन वाज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। तो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बोला है, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, क्या 1990 में, 1991 में, 1992 में, या 1993 में, कब बनाया गया था, 1993 में, कब बनाया गया था, 1993 इज द
करेक्ट आंसर। तो ये बनाया गया था 1993 में। ओके इसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमन राइट काउंसिल इस्टेब्लिश कब की गई, कब की गई थी ह्यूमन राइट काउंसिल इस्टेब्लिश, 2006 में, 2006 में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो पोस्को ई बॉक्स है, आपको पता ही होगा पोक्सो मतलब पी फॉर प्रोटेक्शन, ओ फॉर ऑफ, ठीक है, चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस ये पोस्को है। ये ई बॉक्स एक ऑनलाइन कंप्लेंट आप दे सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की। तो ये किस ईयर लॉन्च की गई थी, इसका आंसर कौन बताएगा जल्दी बताओ, 2015 में, 16 में, 17 में या 18 में? तो इसको लॉन्च किया गया था बेटा 2016 में, ये ध्यान रखना कब किया गया था, 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको पता ही होगा 2018 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। जैसे पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे होमोसेक्सुअल वाले लोग हो गए, लड़की लड़की हो गए, लड़के लड़के हो गए, है ना, तो वो बेसिकली साथ नहीं रह सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो क्या था बेसिकली यहाँ पर, ट्रांस जो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें सेक्सुअल के कार्यों को क्रिमिनलाइज पहले किया गया था। तो कौन से यहाँ पर कौन सा पैनल कोड जो था उसको खत्म कर दिया गया, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी बाय स्ट्राइकिंग डाउन अ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम इंडियन पैनल कोड। तो कौन सा वापस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने बताओ, 371 सेक्शन था, 374 था, 376 था या 377 था? 377 इज द करेक्ट आंसर। 377 में ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर देखा जाता है कि वो होमोसेक्सुअल है, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या नहीं कर सकता, वो मतलब बेसिकली अगर वो साथ रहते हैं जो भी चीज़ है तो उसे क्रिमिनलाइज माना जाएगा, उसे क्राइम माना जाएगा, लेकिन इस चीज़ को खत्म कर दिया गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि थर्ड जेंडर को क्रिएट कर दिया गया था। तो नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कुमार कौशल एंड अनदर, नास फाउंडेशन या अरुण कुमार इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु, क्या होगा इसका राइट आंसर? बेसिकली ये 2014 का केस था, ये चल तो 2013 तक से रहा था लेकिन जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल जजमेंट दी थी, ठीक है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट ये दी थी कि जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्रिएट किया गया था, जैसे एक मेल होता था एक फीमेल होता था, लेकिन यहाँ पर फिर आप लोगों का जो थर्ड जेंडर को कैटेगरी को क्रिएट किया था, तो ध्यान रखना। तो कौन से वाले में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच करना है, अब देखो ये मैच करो एक बार, थ्योरी दे रखी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक, एवरीथिंग आपको आती है, सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आता है, सच में आता है आपको। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट से करो, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन है भाई फादर, टेलर है, कल बताया था, है ना, तो बताओ वन का थर्ड होगा, तो वन का थर्ड है क्या, नहीं, वन का थर्ड है नहीं, अरे वन का थर्ड मिल गया, वन का थर्ड है नहीं, वन ऑप्शन इज इनफ, एक ऑप्शन काफी है आंसर के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का क्या होगा, हेनरी फ्योल, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी थी, मैक्स वेबर ने, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी थी, एल्टन माओ ने, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पार्लियामेंट ने पास किया था एक कॉन्स्टिट्यूशन 126 अमेंडमेंट बिल 2019 में, तो यहाँ पर किसके रिजर्वेशन को एक्सटेंड करना था, पारसी को नहीं, जैन को नहीं, एंग्लो बर्मीज को नहीं, एससी एसटी को, तो एससी एसटी के रिगार्डिंग था ये 126 अमेंडमेंट बिल 2019, इनके रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए किया गया था। इसके बाद फिर आ जाता है आप लोगों का ये, लेकिन क्वेश्चन अलग है थोड़ा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बताओ कि कौन सा करेक्टली मैच है, तो क्या प्लेटो यूटिलिटेरियन के फादर हैं क्या, नहीं, जॉन रॉल्स का जस्टिस एज फेयरनेस होगा, यस इनका आर्टिकल है, जेरेमी बेंथम फिलोसोफर किंग, नहीं, कार्ल मार्क्स का लिबर्टेरियन, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, बस आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जॉन रॉल्स का जस्टिस एज फेयरनेस बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखी है, किसने लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
बहुत अच्छा पेपर दिया हुआ है, सच में बहुत अच्छा अच्छा पेपर है। एनी रिलेशन ऑफ कास्ट अगर आप देखो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाउंडर कौन है यूटिलिटेरियनिज्म के, क्या जेरेमी बेंथम है, जेम्स मिल है, डेविड ह्यूम है या प्रिस्ले है। राइट आंसर इज जेरेमी बेंथम। फाउंडर कौन हो जाएंगे यूटिलिटेरियनिज्म के, यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर हो जाएंगे आपके जेरेमी बेंथम। ओके, उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बोल रहा है कि मैच करना है आपको, क्या करना है, मैच करना है। तो मैचिंग के लिए कह रहा है ऑन लिबर्टी जे एस मिल है ना, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक, आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन, लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी एच ग्रीन। अब देखो ए का होगा डी, ए का डी होगा है ना, और उसके बाद लेक्चर्स वाला ये बी हो जाएगा, ठीक है। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन ठीक है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया डी, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सी मतलब थ्री रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दी थी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या इसाया बर्लिन की है, जेम्स मिल की, सैंडल की है या नॉजिक की है। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दी थी किसने, इसाया बर्लिन ने, किसने दी थी इसाया बर्लिन की है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस जो कॉन्सेप्ट है रिकमेंडेड फिलोसोफर इन हिज वर्क ऑन जस्टिस, तो ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, नोइंग नथिंग। यहां पर क्या कोई व्यक्ति कुछ जानता है, बताओ कोई जानता है क्या, नहीं है ना। यहाँ पर होता है कि व्यक्ति ना अपनी आइडेंटिटी जानता, ना अपना वैल्यू जानता, ना अपना स्टैंडर्ड जानता, कुछ भी नहीं जानता। तो यहाँ पर ये किसने दिया था, ये दिया था जॉन रॉल्स ने। उसके बाद एलोगेरी ऑफ केव से किसको जानते हो आप, प्लेटो है ना, प्लेटो से एलोगेरी ऑफ केव। सेकेंड सेक्स बुक किसकी है बेटा, साइमन द बिहेवियर की, ठीक है, सेकंड सेक्स साइमन दे बिहेवियर की। आपको मेरे सारे नोट्स में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आया हो, सारा मिल जाएगा। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज अगर आप देखो तो बुक किसकी है, कार्ल पॉपर की, कार्ल पॉपर की हो जाएगी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताओ ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में उन्होंने खुले समाज का दुश्मन किन तीन लोगों को बोला था, प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ये ध्यान रखना। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन बताया था। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है कि जो आप लोगों को पता ही है महात्मा ज्योतिराव फुले है ना, ये किस, इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी हो जाएगा इनका। अब ये बताओ मुझे, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन सा मेंबर नहीं है क्वाड का, तो इंडिया है क्या, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन चाइना आएगा क्या, चाइना नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी थी हमारे फ्रांसिस फुकुयामा ने, है ना। तो आप लोगों को पता ही फ्रांसिस फुकुयामा को कोई क्रिटिक भी करता है क्या, इनको इस बुक के लिए किसी ने क्रिटिक भी किया था, तो यस, किसने, एसपी हंटिंगटन ने। तो एसपी हंटिंगटन क्या बोलते हैं, कहते हैं भैया क्लैश होगा है ना, सभ्यताएं आपस में टकराएंगी, सभ्यताएं टकराएंगी, देखना एक दिन पक्का, जो तुम बोल रहे हो ना द एंड होगी हिस्ट्री लास्ट मैन, तो यहां पर उन्होंने कहा कि सभ्यताएं टकराएंगी, देख लेना। तो एसपी हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को, मैं इस फ्रांसिस फुकुयामा को क्रिटिक किया था, याद रखना। उसके बाद आपका आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, जो अलायंस है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। इस बार नाटो से क्वेश्चन आपके एनटीए यूजीसी नेट में कंफर्म बनेगा ही बनेगा, ये बात लिख कर ले लो, ठीक है। तो नाटो से आप लोगों को करके जाना है, मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा अभी जो है नाटो, अभी इसी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो नाटो से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप नाटो को अच्छे से करके जाना। तो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा चलो नाटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नाटो फॉर्म कब हुआ था, 1949 में नाटो बना था, ठीक है। और अभी जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने जिद पकड़ ली है मैं नाटो का मेंबर बनूंगा, मैं नाटो का मेंबर बनूंगा, जिस वजह से अभी तक चल रहा है,
रशिया और यूक्रेन वॉर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ सार्क, सार्क की मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को ट्रिक बताई थी, है ना, क्या आ जाएगी जल्दी बताओ सार्क की जो मेंबर्स अगर आपको याद रखने, जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, तो कैसे करोगे, MBBS करने वाले बेचारे पेन में है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 हो गए ना आप लोगों के, तो ये ध्यान रखना। तो ये जैसे ये कौन हो गया, ये मालदीप हो गया, है ना, फिर ये क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, तो ये कब बना था, सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी जो बुक देख रहे हो आप, ये किसकी है, गेराल्ड फोर्ड की है क्या, हेनरी किसिंजर की, रोनाल्ड रीगन की, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का वो होगा हेनरी किसिंजर, हेनरी किसिंजर जो हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर होगा। 2022 का पेपर है आप लोगों का जामिया मिलिया इस्लामिया का, जो मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2021 इंडिया की वो कौन सी नेबर कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया और वहाँ पर मिलिट्री कॉप ने कब्जा कर लिया है, सबको पता है इसका आंसर, है ना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको पता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो फेडरेशन है वो कितने एमिरेट्स आते हैं उसमें, 5 आते हैं, 6 आते हैं, 7 आते हैं, या नन ऑफ दीज, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी जल्दी करो, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का, बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर किया है आपने, मेघा माइंड क्लासेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है आपने। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने का हो जाएगा, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितने आते हैं, 6 एमिरेट्स आते हैं, 6। अगर आपको नहीं पता तो लिख लो कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है, तो ये सिचुएटेड कहां पर है, अरेबियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है, साउथ ईस्ट ऑफ एशियन पेनिनसुला, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो यूएई जो था फेडरेशन बना था कब, 1971 में, 1971 में ये फेडरेशन बना, इसके अंदर 6 एमिरेट्स आते हैं और 6 एमिरेट जो हैं आप लोगों के, तो वो हो जाएंगे कौन कौन से, अबू धाबी, सेकंड नंबर पे दुबई, थर्ड नंबर पे आ जाता है शारजा, फोर्थ नंबर पे आता है आपका अजमान, फिफ्थ नंबर पे आता है अल क्वैन, अल क्वैन, एंड सिक्स नंबर पे आता है फुजेरे, ठीक है, क्या आता है, मैं बहुत साफ साफ राइटिंग लिख रही हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, तो अल क्वैन, ये जो क्वैन लिखा है ना, तो ये यू है, यू के बाद डब्ल्यू है, ठीक है, तो ये ध्यान से लिख लेना। तो अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन और फुजैरे करके हो जाएगा, तो ये 6 एमिरेट से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बताओ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये किसका इनिशिएटिव है बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन, चाइना का इनिशिएटिव है ये, है ना, वन बेल्ट वन रोड जो ये है बेसिकली किसका इनिशिएटिव है, चाइना का। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी वो कंक्लूड हुई कब, जुलाई 1944 में, अगस्त 1944, सितंबर 1944, या नन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। आप लोगों को पता है दो चीजों से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक और IMF, है ना, तो इन दोनों से रिलेटेड है, तो ये हुई थी जुलाई 1944 में,
ठीक है, ये जुलाई 1944 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर, किसका काम है ये, किसने लिखा होगा? पॉल कैनेडी का है, कैल्वी हॉल्स्टी का है, मॉर्गेनथाउ, या नन ऑफ दीज? राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, राइट आंसर इज पॉल कैनेडी। किसका काम हो जाएगा? पॉल कैनेडी का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो, अगर हम बोलते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हर्ट एंड सोल उन्होंने, अम्बेडकर ने किसे कहा था बताओ? हर्ट एंड सोल, किसे कहा था हर्ट एंड सोल? आर्टिकल 31 को, 31 को 32 को, हाँ 32 को। तो 32 में क्या है बताए? फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विदाउट, किसके बिना उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या कर रखा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यहाँ पर रिट दे रखे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखो तो इसके पास है आर्टिकल 32 और इसके पास है आर्टिकल 226, तो इनको मिले हुए HMPCQ, हिंदी में होते हैं बा पा प्रा उ आ, है ना। तो हैबे कॉर्पस मैंडामस, हैबे कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी, है ना, मैंडामस मतलब वी कमांड, प्रोहिबिशन का मतलब, प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो जाएगा देखो, हैबे कॉर्पस का मतलब टू हैव अ बॉडी, बंदी प्रतीक्षीकरण का मतलब शरीर का होना, मैंडामस मतलब वी कमांड, हम आदेश देना, ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबिड यानी कि मना करना, है ना, और सरतोरी का मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित करना, सूचित करना हो जाएगा, और क्यू वारंटो का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, अधिकार प्रच्छा मतलब किस अधिकार से, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो किस अधिकार से कर रहे हो, किसने अधिकार दिया आपको, है ना, तो ये हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों का पंचायती राज जो आप लोगों को पता ही है, सिस्टम जो एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये कब आया बेटा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, है ना, 1992 में जब ये आया था तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा मिला। अच्छा, चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी जी। तो चेयरपर्सन आप लोगों को पता है, पूछा गया था क्वेश्चन हमारे इसमें भी, एनटीए यूजीसी नेट में भी, तो चेयरपर्सन कौन होंगे नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, UIDAI एस्टैब्लिश अंडर द आधार एक्ट, तो इसका क्या मतलब है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, तो कहां दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा आप लोगों को, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो अपर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट में, तो वो इलेक्ट होते हैं, जो आपको पता है जैसे राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो कितने टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं? 6 years के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद यहाँ पर पैसा की फुल फॉर्म पूछी हुई थी कि पैसा का फुल फॉर्म क्या है, है ना, तो पैसा जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, पैसा एक्ट 1996, इसमें एक्सटेंड किया गया पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में विद सर्टेन मॉडिफिकेशन के द्वारा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आप लोगों का पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर बताओ? चलो मैं आप लोगों को देख रही हूँ, क्या बताओगे आप लोग, जल्दी से आंसर करो इसका, जल्दी से देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और आप आराम से कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप आंसर करो। अब एक चीज देखो, यहां पर एक इन लोगों ने गलती कर रखी है, गलती पता है क्या कर रखी है? गलती ये है कि बिल्कुल सेम है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, तो आप बी करो या डी करो बेटा, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, यही है इसका, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, ये हो जाता है, तो एरियाज वहां पे भी है यहां पे भी है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन चेयरमैन थे, आपको याद होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया का जो चेयरमैन बनाया हुआ था वो किसको बना रखा था? तो बना रखा था वल्लभ भाई पटेल जी को, है ना, वल्लभ भाई पटेल जी को हमने ये सौंपा हुआ था पूरा।
इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पर फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर फीचर्स दे रखे हैं, कंट्रीज दे रखी हैं। अब जैसे सिंगल सिटीजन सब सबसे इजी है इसमें, सबसे इजी, तो वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। तो देखो सी का क्या हमने लगाया, फोर लगाया, सी का फोर लगा रखा है। चलो देखते हैं इसमें कि सही है क्या। सी का फोर, सी का फोर ये रहा, हो गया आंसर, है ना, आंसर हो गया ना, एक से एक ऑप्शन इज इनफ है। तो यहां पर 2143 हो जाएगा, है ना, यानी कि इसमें अगर आप देखो तो इम्पीचमेंट हमने कहां से ली है, अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने कहां से लिए हैं, ये लिए हैं हमने जर्मनी से, है ना, और सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिखी। ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल हमारे में 108 है ना, ज्वाइंट सिटिंग आप लोगों को मैंने करवाई थी, तो ये लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, और क्वेश्चन है ये, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा, रूसा पूछा है, रूसा, ठीक है, इसमें रूसा पूछा हुआ है आपसे। बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था रूसा पोर्टल, वन स्टॉप फॉर स्टेट हायर एजुकेशन प्लान। तो रूसा का मतलब क्या है, रूसा का यहाँ पर मतलब पूछ रहा है। तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय उत्तम शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय उन्मुक्त शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उन्नतशील शिक्षा अभियान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूसा का फुल फॉर्म यही होगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग जो राइट है माइनॉरिटीज को, कि वो अपने खुद के जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 30 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 हो जाएगा। अब देखो आर्टिकल 19 में क्या है, जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में आपका राइट टू फ्रीडम आता है। मैंने इसके लिए भी आप लोगों को बनवाई थी एक ट्रिक बनवाई थी, उसका नाम है सामर्प। क्या है? सामर्प। तो एस फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरी आर्मी तैयार है, जल्दी से, वेरी गुड। ए फॉर असेंबली, जल्दी जल्दी लिखेंगे। ए फॉर एसोसिएशन, एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रेजिडेंट, पी फॉर प्रोफेशन। हो गया? अब आप सोच रहे हो कि मैम ने क्या लिख दिया, 19 का 1 है, 19 का 2 है, 3 है, ऐसे करके 19 का ए बी सी डी ऐसे। 19 का जी किससे रिलेटेड था बताओ? 19 का जी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ करता था। आर्टिकल 31 भी इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, बट इसको क्या कर दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो उसके बाद 29 बचता है आप लोगों का, तो आर्टिकल 29 भी किससे रिलेटेड है? वो भी माइनॉरिटी से रिलेटेड है माइनॉरिटी से। वो कहते हैं आर्टिकल जो 29 है ना बेटा, तो ये आर्टिकल कहता है कि अपने हितों का संरक्षण करने की इनको पूरी पूरी आजादी है, ठीक है। ये हितों का संरक्षण की बात कर रखी है यहाँ पर, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वो आपके कौन से आर्टिकल में है? वो है आप लोगों के आर्टिकल 29 में। सबको क्लियर हुआ? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए बहुत, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया के आप लोगों को जो अभी 27 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है यहाँ पर, तो 27 मई 2022 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, तो वो मैंने आज आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी, एनालाइजेस अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करके जाना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था उन सबको ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।